सीनियर मिनिस्टर जिनको एक्साइज एंड टैक्सेशन का भी कलमदान है और नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स का, वो बड़ी एक उन्होंने डायनामिक कैंपेन चलाई है और रोज़ाना, मुझे कल भी इन्होंने बताया था, वो शायद अभी पब्लिक नहीं किया है चीज़ के, एक बड़ा नेटवर्क इन्होंने अनर्थ कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं बताते कि हम लोगों तक पहुंचना है सिर्फ, लेकिन ये मैं आपसे पूरी तरीके से भरपूर तरीके से आपके से एग्री करता हूँ कि हाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हमने इसे नहीं बचाया तो, और ये आपको पता है ना, एक कौम को ख़राब करने के लिए यही तरीक़ेकार आजमाया जाता है कि उनके बच्चों को ख़राब करो। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा इसके बारे में सीरियस है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब से, आपके तवस्सुत से जो सुन रहे हैं मुझे, उनसे भी कि एक जिम्मेदारी वालदैन पे भी आती है जिनके बच्चे ये ड्रग्स में आते हैं। क्या वजह है कि हमारी नई जनरेशन गई चली गई ये ड्रग्स में, उसमें मैं किसी कभी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करता हूँ, लेकिन वालदैन को भी अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए और आपके तवस्सुत से आज ये मैं कहूँगा कि वो रोल प्ले करें। हम इंशाल्लाह ताला जितना आप चाहेंगे उससे हमें ज़्यादा आगे पाएंगे अगेंस्ट ड्रग्स।